दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाई का मकान खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते? बिल्कुल वैसे ही मेरे मुस्लिम भाई मेरे हिंदू भाइयों को अपना मकान बेच नहीं सकते और मकान खरीद नहीं सकते। क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि यह कानून भारत देश में है? जी हां, इसे कहते हैं अशांत धारा, डिस्टर्ब एक्ट। गुजरात में यह कानून था, कुछ इलाकों में अहमदाबाद के यह कानून पहले से लागू था और उसके बाद गुजरात सरकार ने पूरे अहमदाबाद को इस कानून की जद में ले लिया। जी हां, हम कहेंगे कि जद में ले लिया। और इसके अलावा गुजरात के कई इलाकों में जो है वो डिस्टर्ब एक्ट को लागू किया गया। गुजरात विधानसभा से एक बिल पारित किया गया, उस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था और आखिरकार राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिया, यानी कि अब यह कानून बन चुका है। और उसके बाद अब जो है वो गुजरात में हिंदू मुसलमान को मकान बेच नहीं सकता या मुसलमान से मकान खरीद नहीं सकता, और ऐसे ही कोई मुसलमान अपना मकान हिंदू को बेच नहीं सकता और हिंदू से मकान खरीद नहीं सकता। अगर खरीदना है तो उसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है दानिश कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। दानिश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, देश लाइव को अपना कीमती वक्त आपने निकाला। दानिश भाई, आपने शुरू से ही डिस्टर्ब एक्ट को लेकर काफी आवाज भी बुलंद की, काफी बारीकी से और काफी करीब से आपने इस पूरे मामले को देखा है। आखिरकार ये पूरा मामला, क्योंकि इस वक्त देश के जो युवा हैं वो भटके हुए हैं, कोई बेरोजगारी में और अलग अलग मसले में उनको उलझाया गया है। लोगों को ये जानना चाहिए कि भारत देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसा भी कोई कानून है। पहले तो आप जरा इस पर थोड़ी नजर करके बताइए कि यह कानून क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। देखिए, ये कानून जो है सबसे पहले 84 के दंगों के बाद लागू किया गया था, जो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। हमेशा कानून बनाने के पीछे का जो सरकारों का मकसद होता है वो एक अच्छा आशय और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि कानून और पार्लियामेंट का या असेंबलीज का जिस तरह कानून बनाने के नाम पे एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट करने का जो साधन बन चुका है, तो ये लोकशाही के ऊपर लांछन है। दरअसल ये मामला जब सबसे पहले सामने आया था तो अहमदाबाद का एक इलाका कहा जाता था कालूपुर, शमशाल की पोल में, जिसमें कुछ बोहरा कम्युनिटी की, जो सबसे सीधी कम्युनिटी मानी जाती है मुसलमानों की, उनकी कुछ दुकान और मकान जो थे उनको सिक्योर करने के लिए इस तरीके की धाराएं लगाई गई थी कि ताकि जो लोग यहाँ कम तादाद में हैं वहां से उनको अपने रोजगार को लेकर माइग्रेट ना करना पड़े। मतलब एक्चुअली ये लॉ था एंटी गेटोइजेशन के लिए, कभी एंटी गेटोइजेशन ना बढ़े, एंटी गेटोइजेशन था कि भाई कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बना रहे, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है सोसाइटी का वो बना रहे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि उसको रिपील कर दिया गया 9 महीने में और 1991 में फिर से ये कानून लागू किया गया। जब ये लागू किया गया तो उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर में सुधारे लाए गए और उन सुधारों के साथ इस बिल को कानून की शक्ल दे दी गई। जबकि दरअसल देखा जाए तो हमारा देश का जो संविधान है वो राइट टू प्रॉपर्टी देता है, मतलब इस सरजमीन पर, जो हिंदुस्तान की जमीन है, इस सरजमीन पर जो कोई भी पैदा हुआ, जहां जहां तक संविधान लागू है, जिस जिस कोने तक संविधान की महक पहुंच रही है, वहां उस जमीन पर पैदा होने वाला हर एक नागरिक भारतीय है, और जो नागरिक भारतीय है उसका इस भूमि के किसी भी कोने में मिलकर खरीदने का हक और फरोख करने का हक उसे हमारा जो है आईन संविधान देता है। ये किसी सरकार की या किसी पार्टी की देन नहीं है, सबसे पहले तो इसको समझ लेने की जरूरत है। दूसरी बात, इसके बाद शुरू हुआ 29 साल तक मुसलसल ये कानून नाफिज रहा और इसके लिए पक्ष और विपक्ष बिल्कुल मतलब मिले जुले। अब तक पिछली सेशन जो असेंबली की आई उसके अंदर में हमने देखा कि एक लोकल अहमदाबाद के एक एमएलए जो हैं वो थोड़ा सा इस पर बोले भी 29 साल के बाद, लेकिन इससे पहले जितनी भी बार एक्सटेंशन हुआ विपक्ष खामोश था, इसका विरोध नहीं किया, विपक्ष खामोश था और सर्वानुमते, मतलब ये जो जितना भी एक्सटेंशन था सर्वानुमते।
अब सवाल ये है, सबकी सर्वसम्मति से जो है वो इसको किया गया। बिल्कुल, अब सवाल ये है कि आप समझिए कि कोई कानून को लागू करने के लिए क्या परिस्थितियों का निर्माण हुआ। तो 1984 के जो दंगे थे, उसके बाद के जो 90 के दशक के दंगे थे, वो मजबूरी थी इनको लाने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिजिटल कर्फ्यू था। इस डिजिटल कर्फ्यू को 91 के कर्फ्यू तो शायद 2-4-6 महीने में खत्म हो गए, लेकिन ये डिजिटल कर्फ्यू आज 30 साल के बाद भी नहीं हटे हैं और बल्कि इससे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ जो केंद्र की सरकार है, आप सोचे कि आप कश्मीर से 370 हटाते हैं, क्यों हटाते हैं आप, कि वहां पर सभी को मकान जमीन खरीदने का अधिकार दिया जाए, सिर्फ जो कश्मीर और कश्मीरियत की जो बात होती थी ऐसा ना, कोई भी भारतीय जाकर वहां पर मकान खरीद सकता है। तो ये एक तरफ वहां पर कुछ दोहरा रवैया सरकार अपना रही है ऐसा लगता है कि यहां पर आप डिस्टर्ब एक्ट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पर आप कुछ और बात करते हैं, यहां पर आप कुछ और बात करते हैं, है ना। आपकी कथनी और कर्नी में काफी अंतर है सरकार का, ये माना जाए इसमें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो चीजें हैं, आर्टिकल 370 और 35A और गुजरात का डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इसको मैं मिक्स करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की जो आर्टिकल 370 है वो उसका पूरा एक मामला अलग है। आप समझिए, कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है वो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस बात का अटैचमेंट था कि वो भारत की जो सर्वसत्ता है उसके बिल्कुल अलग है। लेकिन सरकार ने जब बीजेपी ने जब चुनाव में गए, चाहे 2014 का चुनाव हो या उसके जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, तो बीजेपी ने लोगों के सामने जो बात रखी वो लोगों को इस तरीके से दिखाया था कि कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर में भारत के मकान नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, कश्मीरी पंडित वहां पर रह नहीं सकते, हम अधिकार दिलाएंगे वहां पर मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का। तो कहीं ना कहीं जो बात वहां पर कही गई और वो गुजरात मॉडल जो यहां पर है, तो ये दोनों की जो मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, राजनीति 100% जो देश की फासिस्ट ताकतें हैं वो राजनीति 100% कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, इन दोनों को अलग नजरिए से देखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। हम बात करें गुजरात के डिस्टर्ब एरिया एक्ट की, तो गुजरात का डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है वो ये डिफाइन करता है कि अगर आपको किसी की भी मिल्कियत लेनी है तो आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले कलेक्टर जो है वो अथॉरिटी है देश के नागरिकों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मेंटेन करने के लिए, दैट इज द अथॉरिटी। बिल्कुल, अब इंसिस्ट ऑफ दैट ये कानून के माते है वो संवैधानिक हक जो देश के नागरिकों को मिला हुआ है, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, कि सहल कुरेशी या दानिश कुरेशी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिल्कियत खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ेगी, जो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। कल के दिन में क्या ये कंट्रोल भी ला देंगे कि भाई आपको किसको वोट देना है या वोट देना है नहीं, ये कलेक्टर तय करेगा, क्यों कलेक्टर तय करेगा। तो जो देश का नागरिक है, जो मुल्क का बाशिंदा है, उसके पास ये सुपीरियर हक है। तीसरी बात मैं जो कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन इसलिए है कि आप देखिए कि आप उनको क्या चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी एक जगह पर कोई एक कम्युनिटी का एक्सेस ना बढ़ जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को प्रमोट करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार की। हार्मनी के लिए क्या काम कर रही है सरकार, तो कोई काम नहीं कर रही। अगर कहीं कहीं डिसहार्मनी हुई है या कम्युनल राइट्स हुए हैं, दैट इज द फेल्यूर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट का फेल्यूर है। अगर स्टेट का फेल्यूर है तो वो आप नागरिकों पर थोप नहीं सकते। रह गई बात डिस्टर्ब एरिया के मातहत एक बहुत बड़ी साजिश है दलितों को और मुस्लिम समाज को पिछड़ा रखने की। आप देखिए, एक तो है डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे हम कहते हैं कि अमूमन से आसादी भाषा में कहें तो किसी एक धर्म के व्यक्ति का प्रॉपर्टी दूसरे धर्म की व्यक्ति खरीदेगा तो उसको कलेक्टर की परमिशन लेनी जानी पड़ेगी। लेकिन इससे विपरीत परिस्थिति आपको अहमदाबाद शहर के घाटोड़िया और चांदोड़िया जैसे इलाकों में मिल जाएगी, जहां सोसाइटियों में लिखा हुआ है कि मीठा चोरों ने मकान आपवा नहीं। मीठा चोरों का मतलब ये होता है कि मियां ठाकुर, रवार, इन्हें चौधरी, इन लोगों को मकान, ये अनडिक्लेयर्ड डिस्टर्ब है, ये अनडिस्टर्ब है कि मतलब अगर स्वर्ण की सोसाइटी है तो वहां कोई एससी नहीं रहेगा, वो कोई एसटी नहीं रहेगा। तो बहुत चालाकी के साथ में ये जो सेग्रीगेशन का प्रोग्राम भाजपा और उसके सो कॉल्ड साथी चला रहे हैं, वो यहां तो आकर धर्म आधारित करते हैं, लेकिन इससे विपरीत जहां जहां वहां विधर्मी लोग नहीं है तो वहां वो जाकर कास्टिज्म को भी प्रमोट करने के लिए अनडिक्लेयर्ड डिस्टर्ब लगा हुआ है। तो ये परिस्थिति है। नहीं, दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि कश्मीर का मामला अलग है, मैं ये बिल्कुल, कश्मीर का पूरा मामला अलग है, लेकिन ये एक बात है कि भाई यहाँ पर जहाँ कश्मीर से 370 हटा सकते हैं, वहां पर आप एक खास समुदाय को या कुछ लोगों को अधिकार दिलाने की आप बात करते हैं, जबकि यहाँ पर आप उनके अधिकार को मार रहे हो।
दानिश, कई ऐसे जब दिल्ली के कई बड़े पत्रकार हैं और कई लोगों से मैंने बात की कि भाई गुजरात में ऐसा होता है, यहाँ पर मकान हिंदू जो है वो मुसलमान को अपना मकान नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू का मकान ना बेच सकता है ना खरीद सकता है, तो वो लोग हैरान थे, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनको सारी चीजें बताई कि देखिए ऐसा 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 ये चीजें हैं। बात यहाँ पर यह आती दानिश कि आखिरकार गुजरात मॉडल जब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, बड़ी अच्छी चीजें यहाँ की दिखाई गई, लेकिन लोगों को ये चीज अब भी पता नहीं है कि ऐसा एक्ट है। दूसरा, गुजरात शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस के लिए प्रयोगशाला रही है, तो क्या माना जाए जो डिस्टर्ब एक्ट को गुजरात में लाने के लिए, लागू करने के लिए जब राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी है, क्या माना जाए यही मॉडल देश भर में भी लागू करने की तैयारी होगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, इस देश के अंदर में मैंने आपको पहले भी कहा कि सेग्रीगेशन जो है, मतलब कौम का विभाजन जो है, वो हमेशा से राजनीति के उसमें रहा है, और गुजरात मॉडल अपने आप में किस तरीके से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, कौन से सेक्ट का, कौन से सोसाइटी का, उसका एक प्लानिंग है। डिस्टर्ब एरिया एक तो एक नंबर, तीसरा माइलस्टोन है। सबसे पहला माइलस्टोन तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 341 में जो नोटिफिकेशन लगा है जिसमें से मुस्लिम समाज एक्सक्लूडेड है कि उसको रिजर्वेशन का जो है हक नहीं मिलेगा। एक धोबी वो मुसलमान नहीं है तो उसको एससी का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर वो एक धोबी मुसलमान है तो उसको वो हक नहीं मिलेगा। एक नाई जो मुसलमान नहीं है तो उसको वो हक मिलेगा, लेकिन वही नाई अगर मुसलमान है तो उसको वो हक नहीं मिला। नंबर वन, मैं मुझे कंप्लीट करने दे सर। तो एक तो सबसे पहला इन्होंने यहां से शुरू किया ताकि रिजर्व सीटें जो हैं उस पर कहीं ना कहीं मुसलमान चुनाव ना लड़ सके, और चुनाव ना लड़ सके इसलिए उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए ताकि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो सके। इसके बाद नंबर टू पे आप आ जाइए, उसके बाद शुरू होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन हमारा, मैं आपको बता दूं, हमारे नजदीक के पूर्व विस्तार में विराटनगर एक वार्ड है, विराटनगर का एक जो वार्ड है उसमें नूर नगर जो कहलाता है, बिल्कुल नूर नगर की 1.5 फुट की गली में से डिलिमिटेशन लाइन क्रॉस कर रही है। मतलब इतना नॉर्म्स का वायलेशन जो है वो किस लिए, कि 8,000 रिलीजियस माइनॉरिटी के वोट एक तरफ हो जाए और बाकी के वोट इधर हो जाए, इस तरीके से डिविजन। उसके बाद आता है नंबर डिस्टर्ब एरिया एक्ट का। डिस्टर्ब एरिया एक्ट भी अल्टीमेटली दे वांट टू कंट्रोल पॉलिटिकली जितना भी मुस्लिम समाज है उसको, एससी समाज है उसको, और एसटी समाज है, एसटी तो देखिए ये एक सोची साझी रणनीति से कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमने देखा जब अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जो है मोदी ने वहां पे लाके झूले झुलवाए चाइनीज प्रेसिडेंट को, और सारा जिस तरीके से रिवरफ्रंट को डेवलपमेंट के नाम पर दिखाया गया, इसमें जो लोग बारीकी से अगर देखना चाहें तो आपको पता होगा दानिश कि जो रिवरफ्रंट के जो इलाके, जो पहले नदी का जो पट जिसे कहा जाता था, तकरीबन 30,000 झुपड़पट्टी होंगी पूरे यहां पर, और उसमें से कम 20,000 शायद मेरे ख्याल से मुस्लिम और दलित होंगे, 20-25,000। तो कहीं ना कहीं जो परिसीमन का, तो ये डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी चालाकी के साथ में, क्योंकि हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था जब यहाँ पे जो झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़े में जो लोग रहते थे, मुस्लिम जो लोग रहते थे, उनको जानबूझकर ऐसे हिंदू इलाकों में ले जाकर बैठा दिया गया, जैसे मान लीजिए 500 या 1,000 फैमिली अगर हैं तो उनको ऐसे इलाकों में जाकर डाल दिया गया जो बीजेपी के कोर वोट वहां पर इतने ज्यादा हैं कि उनका वोट बिल्कुल नाकारा हो चुका है। अब वो उस सीट पर अगर कांग्रेस को वोट देते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि यहां पर ऐसे कई जगह ऐसे जो आपने कहा, जब परिसीमन और डिलिमिटेशन की जो बात है, क्योंकि देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब मैं एक दिल्ली के एक बड़े चैनल में मैं एंकरिंग किया करता था, उस वक्त एक एजेंसी थी जिसको बीजेपी ने सारा काम दे रखा था, मीडिया को मैनेजमेंट का और पैसे का और एडवर्टाइजमेंट का सारा। उस कंपनी में जब मैं गया कुछ बातचीत के लिए और अपने हमारे चैनल के कुछ लोग उनके साथ जब मैं गया, तो मुझे इतनी हैरानी हुई दानिश कि ब्लॉक वाइज उनको इतना उनके पास में डाटा रहता है कि भाई मान लीजिए आप अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में हैं, आप मीठाखली इलाके में हैं, तो उनके पास में इतना डाटा है कि मीठाखली इलाके में कितने घर के अंदर जी न्यूज देखा जा रहा है, कितने घर के अंदर एनडीटीवी देखा जा रहा है, ये पूरा डाटा उनके पास होता है। ऐसे ही ये भी कहा जाता था कि अमित शाह जिसे चाणक्य जो कहते हैं लोग और बीजेपी के लोग खासकर ये बात कहते हैं, जो आप बात कर रहे हो डिमिलिटेशन की, जो बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक बहुत ही यानी एकदम माइक्रो लेवल पर, माइक्रोफोनिंग लेवल पर ये काम करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम इलाका है, अगर यहां पर 500 मकान हिंदू के हैं, अगर इनको यहां से हटाना है तो यहां पर दूसरे 500 मकान कैसे बसाने, या यहां से अगर 500 मुसलमानों को हटा के कहीं और डालना है तो यहां पर 1,000 मुसलमान की से, तो ये वोट की राजनीति और उसके तौर पर ये पूरा एक सोची साझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये काम चल रहा है ऐसा माना जाए।
देखिए इसमें दो बातें हैं सर, मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का विलिंगनेस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहे कि मैं जीतूं और उसके लिए वो कुछ भी करे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन लाया गया, तो नोटिफिकेशन सरकार लाती है, बिल्कुल डिलिमिटेशन सरकारें करती है, इलेक्शन कमीशन इज द इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट करता है दैट इज प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम बीजेपी या संघ परिवार या कांग्रेस के लोगों से नहीं है या और किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस डिस्क्रिमिनेशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लिप्त है, संवैधानिक संस्थाओं को इसमें लपेट दिया है, और जिस तरीके से जिस चालाकी से, एक्चुअल तो हमारा संविधान तो अपने आप में अवाम से एक मुहायदा है, और वो मुहायदा ये था कि भाई हम चुनी हुई सरकारें अवाम के पास जाएंगे और उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं वो समझेंगे, उसके बाद उनको लागूकरण करने के लिए क्या किया जा सकता है प्रायोरिटी में वो करेंगे। इंसिस्ट ऑफ दैट हो ये रहा है कि चुनाव के पहले वो कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं, उनके लिए क्या हो सकेगा, उनके लिए कैसे लाल जाजम बिछाए जा सकेंगे, हर पार्टी उसमें लग जाती है और जो ज्यादा लाल जाजम बिछाता है उसकी सरकार आती है, और गरीब लोगों का, पिछड़े हुए लोगों का, गरीब लोगों का कोई मामला नहीं है। इसका मैं सीधा एक उदाहरण दूंगा, 2006 में 6 के बाद हम करीब यूपीए 1 ने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट मंगाया, उस रिपोर्ट को आज 14 साल हो गए, लेकिन आप जान नहीं, आप वो छोड़िए, आज तो 20 में हम बात नहीं कर रहे, इन्होंने 2011-12 में ही एक सर्वे करवाया था जिस सर्वे में ये निकल के आ गया, उस सर्वे में ये निकल कर आया कि इस योजनाओं का, ये जो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो योजनाएं बनाई थी उसका मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कहीं कोई लाभ नहीं मिला। 14 साल के बाद मुझे लगता है कि 14 साल पहले और सच्चर कमेटी जस्टिस सच्चर ने कहा था कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, तो आज 14 साल के बाद तो अब समझ रही है कि मैं समझता हूँ कि इंसान कहलाने के काबिल नहीं बचे होंगे, इतना खस्ता हाल कर चुका है। और इस सारी राजनीति में कहीं ना कहीं सो कॉल्ड फासिस्ट और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी मिली हुई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज जो बुलंद होनी चाहिए वो ना तो सड़क पे दिखाई दे रही है, ना तो पार्लियामेंट में, ना ही असेंबली में कहीं दिखाई दे रही है। राजेश, आखिर क्या वजह हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इतने बड़े इतने खतरनाक कानून का विरोध नहीं किया? दूसरा, ये ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई कानून हैं जब लाए गए जिन्हें, ऐसे कई बिल हैं जिसे पारित किया गया और जब सवाल उठाया गया तो बीजेपी ने ये कहकर बीजेपी छूटती नजर आई कि भाई ये तो पुरानी सरकारों का लाया हुआ है। तो जब बीजेपी और या कोई भी सरकार होती है जब अमेंडमेंट कर सकती है तो आखिरकार यहां पर अमेंडमेंट करके इसका मिसयूज किया जा रहा है डिस्टर्ब एक्ट का। दूसरी बात यह कि मैंने खुद ने ऐसे कई गरीब परिवार देखे हैं अहमदाबाद के, जो जिसे कहते हैं जो पुराना ओल्ड अहमदाबाद जो है, वहां पर कई ऐसे परिवार हैं दानिश कि जिनकी जमीन है बड़ी, मकान है बड़े, लेकिन वो इतने खस्ता हाल में हैं, वो ऑटो ड्राइवर हैं, वो मजदूर हैं, वो पैसा कमा नहीं सकते हैं, वो मकान को बना नहीं सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमारा मकान बेचकर कहीं और अच्छा मकान ले लें और हमारे बिजनेस के लिए हमें कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन ये डिस्टर्ब्ड एक्ट जो है उनको गरीबी में मरने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए सब बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्चुअल डिस्टर्ब का जो पॉलिटिकल वो जो आने वाला है डिसएडवांटेज राजनीतिक पार्टियों के लिए, उसका मैं सीधा बता दूं कि अमूमन जितने भी पुराने शहर हैं मुल्क के, हमारे राज्य के, इसमें पहले कहीं किसी जमाने में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हुआ करता था, यहाँ कम्युनिटीज मिल के रहा करती थी, अब नए डेवलप्ड एरिया की जो कॉस्टिंग है उसमें जो गरीब और पिछड़ा वर्ग जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए वो माइग्रेट नहीं कर पाता। अब आप फर्ज कीजिए कि अगर हम अहमदाबाद वॉल सिटी की ही अगर बात करें तो अहमदाबाद वॉल सिटी में से आज अगर डिस्टर्ब एरिया निकल जाए तो मेरा मानना यह है कि कम से कम वॉल सिटी के सेंट्रल जोन में से 20,000 से ज्यादा परिवार माइग्रेट करके जाएंगे, जो सीधा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं वेजलपुर की अगर सीट की हम बात करें तो वहां से जुहाब, तो यहाँ ये जितना भी बिल्कुल ये कहा जाता है कि दंगों से अफेक्टेड इलाका जो है, अगर इस इलाके से डिस्टर्ब एरिया एक्ट निकलता है तो यहाँ कम से कम 3,000-4,000 फैमिली माइग्रेट करके जाएंगे या रिलीजियस माइनॉरिटी, यही परिस्थिति आपको बापू नगर हथियार वाली सीट पे भी मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल चेंजिंग उनको पता है क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा है और आम आदमी इसको समझ नहीं पा रहा है और लोगों को वो ये समझा रहे हैं कि भाई घर उसे कहो हम हिंदू है या घर उसे कहो या मतलब अल्टीमेट उनको धर्मांधता का जो वो पिला रखा है उसमें लगा दिया है और वो जो है अपना पॉलिटिकल मोटिव जो है उसको सेट करने में लगे। दूसरा दानिश, अहमदाबाद में आपने देखा, बहुत अच्छे से जानते हैं अहमदाबाद के हर इलाके को, जैसे अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, दलितों की अगर बात करें, तो आप देखिए जो ओल्ड सिटी है जिसे हेरिटेज सिटी जो कहा जाता है, वहां पर इतना ज्यादा कंजेस्टेड सारी गलियां हैं, सारी मकान इतना सब पुराने बने हुए हैं,
दूसरा है कि यहाँ पर एक बड़ा ये है कि मान ली कोई मुस्लिम परिवार अगर है, उसको अगर अपना मकान बनाना है तो पहली बात तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी, ऊपर उसको दो तीन मंजिले से ज्यादा की परमिशन नहीं मिलती है। यानी और अड़ोस पड़ोस में अगर मान लीजिए आपके कोई हिंदू है तो आप उसका मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर यहाँ का कोई मुसलमान जाना चाहे तो वो जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड अहमदाबाद जिसे कहते हैं, जो नदी पार करके नदी क्रॉस करके जब आप जाते हैं तो वो न्यू अहमदाबाद जिसे कहते हैं, वहाँ ज्यादातर सोसाइटी में कई बार बोर्ड भी लगे होते हैं हिंदू सोसाइटी, वहां पर मुसलमानों को मकान भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में ले देकर मुसलमानों के पास में कौन से इलाके बचते हैं? मुसलमानों के पास में बचता है जुहापुरा, जहां पर लोग अपना पैसा डालते हैं, लेकिन बिल्डर लोगों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों के पैसों को बर्बाद किया, क्योंकि सब जानते हैं जुहापुरा में जो मकान और जो बिल्डिंग और जो खड़े रहते हैं सारे जो बनाए जाते हैं सारे इनलीगल, और कुछ उसकी गारंटी रहती नहीं है कब सरकार का बुल्डोजर वहां फिर जाए। तो आखिरकार आने वाले वक्त में 10 साल के बाद इसका क्या असर आपको नजर आता है अभी से? देखिए, मैंने सबसे पहली लाइन में कहा था कि ये कानून लाया गया था एंटी गेटोइजेशन के लिए, लेकिन जब आप उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो उसका रिएक्शन वही आता है जिसके लिए वो बनाया गया था। देखिए, गेटोइजेशन बहुत तरीके के बने हैं, न सिर्फ हिंदुओं का गेटोइजेशन बना है लेकिन उसमें भी जो उनके कास्ट है उनका भी गेटोइजेशन बना है, कि जैसे रबारी है तो वो एक अलग जगह पर रह रहे हैं, ऐसी है तो वो चांदखेड़ा और झुंडाल और इस रूट पर रह रहे हैं, पटेल है तो वो घाटलोड़िया चांदलोड़िया में रह रहे हैं। तो ये जो डिविजन जो है, ये डिविजन की राजनीति जिन जो पार्टियां करती हैं वो लोग एक्चुअली में हमारे देश के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को और हमारे देश के कम्युनल हार्मनी जहां होनी चाहिए उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर में देखिए, जैसा कि आपने बात की कि पुराने शहर जितने भी, ना सिर्फ अहमदाबाद लेकिन पुराने शहर बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर या जितने भी डेवलप्ड शहर हैं, आप देखिएगा इसके अंदर में कि जैसे कि हम अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर बजट आप सालाना देखेंगे तो करीब 9,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक वार्ड का करीब करीब सालाना बजट 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इंसिस्ट ऑफ दैट, उसके सामने चार कॉर्पोरेटरों के पास 22-25 लाख रुपए का बजट है, मतलब चार कॉर्पोरेटर मिला के 1 करोड़ रुपया अपने पर्सनल बजट में से खर्च करते हैं, बाकी 999 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? तो उससे डेवलपमेंट होता है भोपाल, गुमा, शीला, सैलज, इधर चले जाइए तो आप उहा, कणवा और ये जो ओडो पूरा जो विस्तार है वहां जहां भूमाफियाओं ने, राजनीतिक भूमाफियाओं ने अपना पैसा लगा रखा है, उस एरिया को डेवलप करने जाते हैं। और आम आवाम जो है इस बात को समझने में नाकाम है। आप समझिए कि एक वार्ड का, एक वार्ड की बात कर रहा हूं, एक वार्ड का अगर जनरल बजट की हिस्सेदारी हम 48 वार्ड्स को डिवाइड करें तो जनरल बजट की हिस्सेदारी की 1,000 करोड़ रुपए की बनती है। अगर एक साल में 1,000 करोड़ रुपए अगर इस्तेमाल हो सकता है तो मैं कहता हूं कि हम 5 साल में चाइना, शांघाई, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी साजिश और सारी राजनीति जो है सर, अवाम के टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार स्वरूप खाने की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वही है लोग। इसको देखकर जो मोदी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो बिल्कुल आने एकदम धता साबित होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात मॉडल का ये डिस्टर्ब है, वो नारा उसका विपक्ष के लिए था गुजरात में, सबका साथ सबका विकास। ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है, लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में कई लोगों से मैंने बात की, बुद्धिजीवियों से बात की, कई पत्रकारों से बात की, जब मैंने उनसे कहा कि गुजरात में एक ऐसा कानून भी है, उन्हें पता नहीं था, वो हैरत में थे कि ऐसा कानून कैसे हो सकता है इस देश के अंदर। लेकिन हम यही कहेंगे जैसे मैंने बताया कि गुजरात में ऐसा कानून है, गुजरात जो है वो बीजेपी आरएसएस की प्रयोगशाला हमेशा रहा है। तो ये मानकर चलिए कि जो जो कानून जब गुजरात में लागू किए गए, जो बिल गुजरात में पास किए गए, यकीनन वो आगे चलकर वो देश में भारत सरकार भी इस तरह के कानून लाएगी पार्लियामेंट में। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है, ये आने वाले वक्त में भारत की सभी जनता को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो हमें अलग अलग समुदाय में लड़वा कर अपना काम आसान करने में लगी हुई है, जबकि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो था, जो हमारा देश के संविधान ने जो बातें कही, जो गुलदस्ते की मानिंग जो है वो यहां पर सब मिलकर रहते थे, उनको जो है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।